ब्रदर्स, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हुए थे कि इधर शदरे शॉपिंग वगैरह करने थोड़ी सी, और एक दोस्त था उसको मिलना था। मेहमान भाई हमारे साथ हैं, आज वही वीडियो बना रहे हैं। मैं भी आपको सलाम कहता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो कुछ चीज़ देखते हैं, जैकेट देखते हैं, अगर पसंद आ गई तो वो ले जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाश्ता किया भाई, नाश्ता वाश्ता करके उठे हैं। मशहूर शदरा की हलवा पूरी, अल्लाह सही लग रहा है। हाँ बाजार है, हो जाइए। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली लोकेशन पर। कौन सी जगह? मकबरा नूर जहां। तो अभी मकबरा नूर जहां में आए हैं। तो ये इसकी एंट्री है, ये छोटी सी बस है, तो इसमें बैठ के आगे चलते हैं। तो इसकी टिकट वगैरह लेते हैं। इसकी सारी आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और इसके पहले नूर जहाँ का मकबरा है, इसके आगे अभी हम जाएंगे जो लाहौर का बड़ा है जहांगीर मकबरा, वहाँ पर भी चले जाते हैं। चलिए यार आ जाओ। कितने जाना? डब्ल्यू 10 करोड़ वाला ये है जी मकबरा नूर जहाँ, और उसके साथ एक डब्ल्यू है। वो नहीं फिल्म आई थी, क्या नाम है उसका? दमाल। दमाल। इसके नीचे खजाना है, अभी खोदते हैं, खजाना निकालते हैं। तो वह थोड़ा मूड खराब कर दिया, क्योंकि हम भी मुगल हैं। तो मुगला ने वे खचाई मारी है, देखो वे पूरी चीज़ें बनाती हैं थे। तो आए अंदर चलते हैं, हम यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं मकबरा नूर जहाँ में, आपको भी दिखाते हैं। थोड़ी सी इसकी आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये जहांगीर तरीन ने ये अपनी बीवी नूर जहाँ के लिए ये मकबरा बनवाया था 17वीं सदी में। ये इसको जो इसमें जो पत्थर लगा हुआ है ना, ये वाला, ये अमृतसर से मंगवाया गया था। तो जिसके लिए इसको फिर तामीर किया गया और इसकी सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह की गई। जो नूर जहाँ थी ना, वो तकरीबन 1570 में पैदा हुई थी और मुग़ल ख़ानदान की बहुत बादशाह थी, यानी जहांगीर तरीन की 20वीं बीवी थी। तो 20वीं बीवी के होने के तहत उसको यहाँ पे दफन किया गया था। ये देख सकते हैं, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और ये दो कब्रें हैं, एक ये हैं और एक वो है। तो यहाँ के लोगों से पूछा है जो यहाँ पे काम वगैरह भी करते हैं और जो यहाँ के माली हैं, वो उनका ये बताना था जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ना, इसके नीचे भी काफ़ी कब्रें हैं, लेकिन वो जब कोई न्यूज़ वगैरह वगैरह वाले आएँ, कोई चैनल वगैरह वाले आएँ, तो फिर वो नीचे जाने देते हैं। नीचे सुरंगें भी हैं इसके, तो ऊपर इसके इन्होंने कब्रें बनाई हुई हैं। पहले ज़माने में आपको पता होगा, कब्रें असल जो होती थी वो नीचे होती थी, ऊपर मकबरा बना के, तो फिर इस तरह मार्बल से यहाँ पर टाइलें लगा के ये कब्रें बनाई जाती थी। जो ये वाला पत्थर है ना, ये वाला और ये वाला, ये सारा अमृतसर से आया हुआ है लाहौर में। रैब साहब, कैसी कैसी मुग़लों की है, अमृतसर से पत्थर आया यहाँ पे उन्होंने बनाया। इससे पहले भी एक मकबरा विजिट किया था, वो आलमगीर की बेटी का। हाँ वो भी सेम ऐसे, इसमें पत्थर लगा हुआ है, इसके तख्ती लगी हुई है। तारीख वफात तो मैं आपके बाद बताता हूँ। ये उर्दू मेरे ख्याल फारसी में लिखी है, क्या लिखा हुआ फारसी है ये समझ नहीं आई। पसे फराक व वहशत साल शदीक जा, रवान महर निसा बेगम व मलक बाद जनान। आगे पता नहीं क्या है। तारीख वफात मलका नूर जहाँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तीन लफ्ज़ों की है, ऊपर भी देखें। और ये लोगों ने यहाँ पे आते हैं यार, ये टूरिज्म के बहुत ख़राब किया हुआ काम इन्होंने, ये देखें लाइने मार मार के सारी टूरिज्म को ख़राब किया हुआ है। और ये देखे ना, आई लव यू रबिया। रबिया मैडम अगर देख रही है तो ये लोंडा आपके प्यार में पागल हुआ है, इसको मिले। और इसकी सारी ये देखें, कैसा उस ज़माने की
हाथों से बनाई हुई है यार। उस जमाने में देख ना कोई मशीनरी हुआ करती थी और ना कोई चीज है। दीवार का साइज देख इतना बड़ा है, पूरी सारी मिट्टी की चनाई हुई हुई है। यहाँ पे रास्ता देखें कैसे कैसे हैं। अभी तक जो मैं मुगलों के मकबरे या कोई उनकी बनाई हुई जगह पे गया हूँ ना, वो आपको मैंने भी बताया होगा हर वीडियो में, उसकी मैं बताता हूँ। ये चारों तरफ से ये खुला इन्होंने बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी हवा आती है, यहाँ से भी हवा आती है, और यहाँ से भी हवा आती है, और यहाँ से भी। हर दीवार और हर चीज़ इन्होंने इस तरीके से बनाई हुई है, यानी कि इसके जोन से मर्दी कोने में आप बैठ जाएंगे ना, आपको हवा आएगी और यहाँ इसमें गर्मी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह बोल रहा हूँ ना, तो वो लास्ट में भी जो खड़ा होगा उसको मेरी आवाज़ आएगी। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और कदीम दौर की यहाँ पे डिज़ाइनिंग चेक करें कैसी हुई हुई है, ये पुराने ज़माने की है। यूँ ये सारा रेड मार्मल है और ये सारा अमृतसर से लाया गया था, जो कि जहांगीर ने मंगवाया था। तो जहांगीर के भी मकबरे पे भी चलते हैं, तो उसके पहले ये आपकी सारा आपको दिखाते हैं। इसकी मैं अभी बैक साइड पे आ गई हूँ यार। इसकी वो जो नीचे हैं सुरंगे, वो किस तरफ हैं? वो बैक साइड से रास्ता, वहाँ पे चलते हैं, लेकिन जाने देते हैं। ये देखें ना कैसा है। पहले ये तो ये खस्ता हालत हो गया था, लेकिन जैसे जैसे घूमते बदलते रही हैं उन्होंने, अपनी अपनी मर्जी का काम करवाया है इसमें। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ये कदीम ही है जो टूरिज्म को प्रमोट करती है, और इसी वजह से वो अंग्रेज़ लोग हमारे पाकिस्तान में आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक अगर नहीं किया तो। फिर आगे चलते हैं। इसके नीचे सुरंगें हैं वहाँ, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं, लेकिन ये अभी दरवाज़ा बंद है। तो मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर आपको नज़र आए तो। ये सारी नीचे सुरंग है, तो मुझे ही नज़र आ रही है, लेकिन आपको कैमरे से नज़र नहीं आएगी। जो यार राजू मुझे इनकी खुली खुली चीज़ें बहुत पसंद हैं, हवादार हर चीज़। मैं छुप जाता हूँ जैसे बंदा छुपी सकता है सही तरीके के। साइड पे चारों तरफ ये मकबरा है, और उसके चारों तरफ ये गार्डन है। ये देखें, ये भी है और ये गार्डन है। क्या लेवल का सीन है ये जी। ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके पीछे भी एक सुरंग है। यहाँ से किलोमीटर दूर किला जहांगीर, जहांगीर का किला है। ये सुरंग सीधा वहाँ जाती है अंडरग्राउंड नीचे से, लेकिन ये अभी बंद है, कुछ नज़र नहीं आ रहा इसमें से कैमरे में तो नहीं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ सुरंग है। वो बंद कर दी है, वो नीचे सारे टूट गई हुई है, खस्ता हालत है, इसलिए बंद कर। पुराने दौर में जो है ना वो नीचे से यूज करते, वो दरवाजे वगैरह भी नहीं लगाते। तो यहाँ से निकलते हैं, तो आगे चलते हैं मकबरा जहांगीर पे। ये देखें, ये अभी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये देखें सारी इसकी जो ये जो है ना, ये बनाई गई है, और ये नीचे इसकी चनाई की हुई है मिट्टी से। ये ओरिजिनल वाली है, ये देखें सारी मिट्टी है। ये देखें नीचे गिर गई है। इस किस तरीके से डिज़ाइन की गई आप खुद सोचो। ये अभी अपनी हालत में वैसे के वैसे, हालांकि हम जो मकान बनाते हैं वो गेट टूट जाते हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं हुआ। ये है जी हमारा W करवा के अभी हम बाहर गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से अंडर आए थे। खूबसूरती यहाँ पे ऐसी है कि देख के दिल नहीं भर रहा। आप देखें कैसा इन्होंने ये गार्डन तैयार किया हुआ है चारों तरफ। अभी भी माली लगे हुए हैं, बैक साइड ये इसकी बैक साइड तो है। बस ने अभी हम चल रहे हैं जहांगीर के मकबरे पे, जो इनके शोहर थे। तो इनके अभी खाविंद है, हस्बैंड है जहांगीर। अभी उनके किले पर जाते हैं, उनका किला भी सुना है काफ़ी, उसका काम वगैरह किया है, उसको भी नया किया है। अभी वो जाके देखते हैं। बहुत लेवल की जगह पे है ये, शादरे की सेंटर पॉइंट है, और इसके पीछे ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। बड़ा व्यू है जब पीछे से ट्रेन गुजरती है ना मकबरे के पीछे से।
अभी यहाँ से वापसी निकलते हैं, हम बाइक वगैरह अपने निकालते हैं जो हमने स्टैंड पर लगाई थी। चलो जरा गुजर जी, हमने गाड़ी मंगवाई थी, गाड़ी आई नहीं है, वो आ गई मेरी गाड़ी। मस्त, ये मुगले शाहनशाह की काफी गाड़ी आई, शाही सवारी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहांगीर के किले वाली, वो भी बहुत मज़ेदार वीडियो होगी। क्योंकि मान भाई यहाँ पे वीडियो पेंड करना चाहिए कि नहीं? हाँ, यहाँ पे वीडियो पेंड करें, लाइक बटन को ठोक दें और 5000 लौंडे दिख देना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, तो आगे चलते हैं हम। अगली वीडियो हमारी आएगी मकबरा जहांगीर पे, वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।